Hello guys, welcome to my channel Typical Hindustani Gamer. मैंने अपना नाम प्रो हिंदुस्तान, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, प्रो हिंदुस्तानी गेमर, उससे चेंज करके मैंने टिपिकल रख लिया. कुछ वो कॉपीराइट हो सकता था ना, इसलिए मैंने इसे कम कर दिया, चेंज कर दिया. सो ये है थर्सडे का स्पेशल स्पेशल मैच स्प्रे एंड प्रे. ये सोलो का है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है. आई रियली डोंट नो दैट क्या होने वाला है इसमें. सो ये स्टार्ट हुआ इन 3, 2, 1. और ये आ गए हम अपने बरमूडा के प्लेन पे, जिसका स्किन है रॉयल. सो हम उतेंगे इस सामने वाले, जिसका नाम कावासाकी निंजा है. सॉरी गाइस, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पता नहीं इसका नाम क्या है, इतना अजीब अजीब नाम है. मतलब कतुलिस्तिवा, बहुत अजीब अजीब नाम है गाइस. सो मैं उसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, बस स्पेलिंग इंग्लिश है, लैंग्वेज कुछ और ही है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं मतलब कैसे प्रोनाउंस करूँ. एनीवे, सो 20 अलाइव है, ये 20 का मैच आई थिंक. सो वी आर गोना लैंड नाउ सीधा गन्स नहीं कुछ और है. ओह, ये जेट पैक बूट्स है, साथ में हमें मिनी गन मिला. क्या था इस बूथ का नाम, क्या कर सकते हैं इससे, रुको. ओहो शिट, बड़े गन को लेके हम लोग खिड़की से भी नहीं कूद सकते, कभी कोई बंदा मार रहा होगा तो हमें बहुत रिस्क है. सो पहले गाइस हम लोग मेडिकेट वगैरह ले लेते हैं. और ये बूथ क्या करता है, जेट पैक बूथ शोज दैट अलाउज द यूजर टू फ्लाई, try not to run out of fuel and media. पता नहीं गाइस ये क्या है, मैं देखता हूँ. मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे कोई अच्छा गन मिल गया, अगर मिनी गन के अलावा और भी गन्स हैं तो मैं वो ले लूँगा. I don't think so कि और गन्स मिलेंगे, सिर्फ यही है क्या, आई थिंक. देखो हर जगह गाइस यही वाला गन मिल रहा है, इसका एमओ भी हमको लगता है लिमिटेड है. चलो गाइस, सो ठीक, आगे एक बंदा है, मैप में जैसा कि दिखाया. हो रहा उस घर के अंदर, मुझे जस्ट अभी दिखा, और आई थिंक वो चेयर था. सो लेट्स सी गाइस व्हाट वाज दैट. देखिए इंगन का साउंड यहीं से आवाज़ आ रहा है. ओ वो उड़ रहा है ऊपर. सो गाइस हमने एक किल कर लिया, सो लेट्स गो. ही वाज फ्लाइंग अबव द एयर. जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये फ्लाइंग बूट्स है, 8 मेडिकेट से है. वो झुक के क्राउच करके खेल रहा है. मैं अपना लाइफ फुल कर लेता हूँ. बंदे का भागने का आवाज़ आ रहा मुझे पैरों के. जल्दी चलो का बंदे, जल्दी चलो. अरे यार ये ड्रॉप हो जाता,
रिलोड नहीं होता। सो इसमें ओनली लिमिटेड बुलेट्स है, और जिस बंदे को इस बंदे ने मारा उसे लगा होगा कि और भी गन्स मिलेंगे गैटलिंग के अलावा, सो इसलिए वो मारा गया। सो एनीवे लेट्स टेस्ट ये फ्लाइंग बूथ से क्या होता है। एक्चुअली पूरा नया है, मैं बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ, सो आई डोंट नो कि स्प्रे एंड प्रे में क्या होता है एक्चुअली, बट ओनली 7 अलाइव है अब तो, ओनली 7। क्या हुआ इससे? आई थिंक मुझे क्लिक करके रखना है यहाँ क्या, और ये सोलो ही है, सो आई कैन इवन आस्क माई एनी फ्रेंड दैट व्हाट डज इट डू। इस कुछ हो ही नहीं रहा, ट्राई नॉट टू रन आउट ऑफ योर मीडियम शूज दैट अलाउज द यूजर टू फ्लाई। ओहो ये था, मैं कैसे ध्यान ही दिया, आपने भी बताया नहीं कि यहाँ कोई बटन है। आई थिंक मुझे नीचे जाके मेडिकेट यूज करना चाहिए एक टू। इससे पहले कि कोई मुझे मारने की कोशिश करे, बस 11 मेडिकेट्स है, सो नो प्रॉब्लम, आई कैन फुल माई लाइफ एनी टाइम। ओनली 3 अलाइव, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच, मे बी वी विल लूज और मे बी वी विल विन, नो आइडिया because I'm playing this for the first time, so हम जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता फिलहाल। वो रहा बंदा, मैंने ध्यान नहीं दिया दूसरा, वो रहा बंदा मैप में खा रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए एक्चुअली, ऊपर हो रहा सो हमें बुया मिल गया बहुत ही इजीली गाइस। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन स्प्रे एंड प्रे एंड आई गॉट अ बुया इन दैट बूम। So guys, that's all I've got for this video. Hope you enjoyed. Make sure to leave a like, subscribe, and I will see you in my next video. Take care, everybody, and bye-bye.